निकलने हैं नीम का पेड़ ढूंढने के लिए। चटनी बनानी, दो आम दे दे, दो दे दे, दो दे दे, हड्डी। हाय, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सभी, होप अच्छे होंगे। तो आज की शुरुआत मेरी मॉर्निंग के सुबह बज रहे हैं 6 बजे से है। मैं जा रही हूँ पापा के साथ गांव घूमने के लिए और वहाँ से हमें बहुत कुछ सामान लेके आना है और बहुत कुछ चीज़ें देखकर आनी है। बहुत टाइम बाद घूमने का मौका मिला है तो मैं इसको खोना नहीं चाहती हूँ, तो इसलिए मैं जा रही हूँ घूमने के लिए। मौका कभी बार बार नहीं मिलता है, तो मैंने सोचा है कि मैं जब यहाँ आई हूँ तो मैं पापा के साथ थोड़ा सा घूम कर आती हूँ। तो व्यान को तो इतनी दूर ले जाना बहुत मुश्किल है, तो व्यान सो रहा है और मैं जा रही हूँ पापा के साथ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कैसा वहाँ पे सीन होगा और कैसे कैसे। तो मैं जा रही हूँ पापा के साथ, बाय बाय। गाइस, आज हम जा रहे हैं गाँव और मौसम हो रहा है बहुत अच्छा। पापा निकाल रहे हैं स्कूटी, कल बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, गर्मी हो रही थी, तो जाते हैं जल्दी से क्योंकि व्यान सो रहा है। चलो पापा, तो मौसम देख रहे हो आप, ऊपर बारिश वाला और पूरा लॉन गंदा हो रखा है हमारा, ये देखिए। आप एरिया देख रहे हो, पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, यहाँ सब खाली था और अब इतने मकान बन गए। ऐसे यहाँ पर देख रहे हो, कोई कह सकता है कि कभी यहाँ जंगल था इस टाइम, कभी कुछ टाइम पहले जंगल था जब मैं छोटी थी, और अब यहाँ पर इतने मकान बन गए। और रेलवे ट्रैक भी आ गया, कभी दिखाती हूँ मैं आपको, रेलवे ट्रैक भी आ चुका है। हाईवे देख रहे हो आप, हाईवे, और ये है रेलवे ट्रैक। कभी इस रेलवे ट्रैक तक हम बचपन में घूमने आया करते थे और बहुत दूर पड़ता था क्योंकि जंगल का एरिया था, मकान कम थे, तो दूर पड़ता था बहुत ज़्यादा। कहते थे कब आएगा रेलवे ट्रैक, और अब पता ही नहीं चलता क्योंकि आबादी इतनी ज़्यादा हो गई और मौसम यहाँ पे तो ऑलवेज हो रहा है, सारे खेत इतने, और गाँव में जाने का मज़ा ही कुछ और होता है। बारिश, आम के पेड़ों को आम, निम्बोरी भी लग रखी है, आम भी लग रखे हैं छोटे छोटे आम, और मौसम हो रहा है बहुत अच्छा। बारिश आई थी कल रात को तो मौसम हो गया ठंडा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। हमको इस पानी में से जाना है, तो आज इस गांव के पानी से भी निकलते हैं। तालाब है गांव में भी, ये सब देखने को अभी भी मिलता है, शहरों में तो सब खत्म हो चुका। ये देखो पापा, तालाब ही बोलते हैं ना इसे, तालाब बोलते हैं। और व्यू देखो कितना सुंदर है यहाँ का, नहीं हमने सोचा इस दुकान से लस्सी पीते हैं, पर इन्होंने बोला कि लाइट ही नहीं आ रही है कल रात से क्योंकि मौसम खराब था, तो लस्सी तैयार नहीं हुई है, तो हम वापस जा रहे हैं। आप जो ये रूट देख रहे हो, ये वाला रूट जाता है देहरादून, और ये वाला रूट जो जा रहा है वो है मंगलोर। तो ये बाईपास बन गया है यहाँ पे, पहले कभी यहाँ पे एरिया में कुछ था ही नहीं, तो अब देख रहे हो आप कितनी आबादी हो चुकी है। तो ये बच्चे जा रहे हैं स्कूल और हम
हाय हाय, इतना सुकून। ये बच्चे जा रहे हैं स्कूल और हमें देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, मुंह छुपा रही है अपना। हमने उस बच्चों से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बताया हम स्कूल जा रहे हैं, पर वो मुंह छुपाने लगे। सोचा पता नहीं क्या हो रहा है, गाँव के लोगों को अभी तक ज़्यादातर इतना आइडिया नहीं होता कि क्या हो रहा है या क्या क्यों वीडियो बनाई जा रही है हमारी। अगर हमारी कोई वीडियो बना रहा है तो हम भी यही सोचेंगे कि यार क्यों बना रहे होंगे वीडियो। तो गाइस, हम किसी काम से आए थे तो वो काम हुआ नहीं है, तो हमें आधे रास्ते से वापस आना पड़ा। हम आ गए आधे रास्ते, तो हमने सोचा छाछ लेके जाते हैं गाँव का ठंडा ठंडा, क्योंकि यहाँ पर सुना है हमने लोग प्योर निकालते हैं और डेयरी में रखते हैं। फिर तो हम यहाँ से आज छाछ लेके जा रहे हैं, तो दिखाऊंगी कैसा होता है गाँव का छाछ। भैया हमें नीम का पेड़ के बारे में बता रहे हैं कि हमें वो कहाँ पे मिलेगा, तो वो हमें एड्रेस बता रहे हैं कि हमें किस तरीके से कहाँ पे जाना है। हम निकले नीम का पेड़ ढूंढने के लिए। किसी ने बताया यहाँ पे नीम का पेड़ मिल जाएगा आपको, हमें मिला नीम का पेड़। ये रहा, सोचा नीम के पेड़ के पत्तों से हम हेयर वॉश करेंगे, बहुत इचिंग हो रही थी। कहते हैं कि नीम के पत्तों से सिर धो तो अच्छा होता है, बैक्टीरिया मरता है। पापा ये वाला है, पहुंच जाएगा आपका हाथ। तो ये ले लिया हमने नीम और अब चलते हैं घर। गाइस ये है यहाँ पे स्कूल, प्राथमिक विद्यालय। मैं पता नहीं कब जाऊंगी अपने स्कूल, की याद आती है देख के स्कूलों को। हाईवे, इतना सुंदर हाईवे, ये देहरादून वाला हाईवे। एक काम दे दे भाई, ये आम कहाँ से लाए चुपके? अरे एक काम दे दे इसमें से, ये बागड़ा क्या बोला तूने? अपने में से दे दो एक आम, हमें चटनी बनानी है घर में। चटनी बनानी, दो आम दे दे। हड्डी, हड्डी क्या होता है? ये वाला है, गुठली वाला, गुठली वाला। थैंक यू। तो गाइस घर आते हुए ट्रेन का गेट बंद है, ट्रेन आने वाली है, अब हम वेट करते हैं। ये कर रहे हैं वेट, पापा ये भी तो रास्ता निकाल रहा है, यहाँ से जाने का तो नहीं होगा। तो गाइस वो आ रही है ट्रेन, मालगाड़ी लग रही है मुझे ये ना पापा, तो लंबी भी बहुत होगी, टाइम लेगी। नहीं वहां से आ रही है वो। गाइज आपको पता है ये पानी पूरी वाले भैया हैं और गांव-गांव में पानी पूरी बेचने जाते हैं और सिर्फ 10 रुपये में 4 पानी पूरी दे रहे हैं ये। उन्होंने अपने बॉक्स में भी लिखा है, तो वाओ कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना, कितना सस्ता आज के ज़माने में। मुझे तो बहुत पसंद है पानी पूरी। तो गाइज अब हम जा रहे हैं घर की और वियान परेशान कर रहा होगा नानी को, क्योंकि बहुत देर हो गई है हमको। अब हो गई शैतानी शुरू, वीनू शैतानी शुरू। नहीं आई वीनू के लिए चिप्स, ये गाइज ये है मट्ठा हमारा और ये है कड़ी। मम्मी ने कड़ी बना दी है आधे की और आधा ये मट्ठा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ किस रंग का मट्ठा है ये। तो ये मट्ठा कुछ ये रेड रंग का है। गांव में हमेशा लाल मट्ठा और गाढ़ा और मलाई वाला मिलता है, बट ये हमने फ्रीज में रखा था तो इसलिए थोड़ा पानी छोड़ दिया इसने। तो ये है मट्ठा और देखो गाइस कितना थिक है। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, होप आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। और वियान और नानू की चल रही है गार्डनिंग इस टाइम, क्योंकि मौसम हो रहा है बहुत अच्छा, तो इसलिए नानू कर रहे हैं गार्डनिंग। नेक्स्ट व्लॉग भी आपको जल्दी मिलेगा क्योंकि आर्यन हमारे पास जल्दी आ रहे हैं। यहाँ पे होती है आर्मी वाले करते हैं यहाँ पे हॉर्स राइडिंग।